आइए दिखाते हैं कि फ्री का खाना कैसे खाया जाता है बिना कुछ गिफ्ट दिए। यही वो व्यक्ति है जिसका आज है बर्थडे। और देख लो अच्छा, जैसे अगर कोई ये बिजनेस करता है लखनऊ के बाहर या यूपी के बाहर, तो उसको लगभग कितना मतलब ये पहले यहाँ पे आपको जो है तालाब भी देखने में। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है भाई? सभी के अच्छे होंगे आशा करता हूँ। और माफी भी मांगना चाहूंगा कि इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। वीडियो ना आने का बस एक कारण है कि लखनऊ में गाड़ियाँ जो लॉन्च होती हैं वो थोड़ा लेट आती हैं, इसके कारण जो आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो लेट मिलती है। सो फिलहाल गाइस, आज हमने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसा ब्लॉग दिखाते हैं जैसे कि फैमिली ब्लॉग टाइप में। तो गाइस अभी जो है हम अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, बुआ के यहाँ जाते हैं, होली मिलते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं। साथ में हम जो है बाड़ा भी आपको अपना घुमाएंगे, जिसको आप लोग फार्म कहते हो, वहाँ पे कैसा फार्म है आपको अपना गांव दिखाते हैं, नदियाँ दिखाएंगे, वहाँ पे सारे नज़ारे दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये वीडियो भी अगर यार अच्छी लगे ना तो यार लाइक जरूर करना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब मार लेना। तो भाई सुबह के जो है अभी 9 बज रहे हैं और कल रात में यार देखो आए थे, फिर यहाँ से एकदम से चले गए सारे दोस्तों के यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी जो है हमारे दोस्त हैं तो उनके यहाँ चले गए, बहुत दिन बाद मिल भी रहे थे तो सब लोगों के यहाँ होली मिलने चले गए, तो इसके कारण जो है रात में यार हमने व्लॉग नहीं किया था। फिलहाल इस समय जो है सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम जो है अपनी छत पे खड़े हैं और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से जो है लगभग पूरा जो है सिधौली का व्यू आता है और सामने देख सकते हो वहाँ पे जो है आपको तालाब भी दिखता है। अभी जो है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देख रहे हो यहाँ पे आपको जो है तालाब भी देखने को मिलता है और यहाँ से लगभग छत पर से जो है आपको सारे बहुत बढ़िया नज़ारे जो है हमारी छत से देखने को मिलते हैं। तो कभी किसी को देखना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे बाज़ार लगती है, तो बाज़ार किधर लगती है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो वो जो हरा वाला पेड़ देख रहे हो और जो टावर आप देख रहे हो वहाँ पे जो है बाज़ार लगती है। और आज बाज़ार की तरफ चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। वैसे देख रहे हो कि वहाँ पे जो है बाज़ार सेटअप हो रही है, हालांकि इसमें सही से दिख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, अभी हम जब लोग हम लोग निकलेंगे तो आपको जो है बाज़ार दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है बाज़ार कैसे लगती है। तो भाई अभी हम लोग जो है यहाँ से चलते हैं बाज़ार और आप लोगों को दिखाते हैं सिधौली में जो है बाज़ार लगती है कैसे, और नॉनवेज का जो प्लान है वहाँ पे दिखाएंगे कैसे मार्केट लगती है। सो भाई हम लोग जो है यहाँ पे देखो बाज़ार आ चुके हैं और यहाँ पे बाज़ार लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो है हरी भरी ताज़ा सब्जियाँ मिल रही हैं। अब मैंने यहाँ पे प्राइजेस सुने तो भाई हमको लखनऊ से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा, ज़्यादा नॉमिनल प्राइजेस नहीं है। मैंने सोचा था कि बाज़ार है तो यहाँ पे जो है प्राइजेस सस्ते होंगे, पर ऐसा नहीं है। इस साइड लगी है भाई यहाँ पे सब्जियाँ लगी हैं और पीछे जो लगती है भाई फिश मंडी, और यहाँ पे मटन और चिकन के लिए जो अलग से बना के रखा गया तो भाई वो बिस्मा चौराहे के उस साइड लगती है, तो वो भी आपको कभी दिखाना होगा आगे। और यहाँ पे जो है भाई वेजिटेबल काफ़ी बढ़िया लग रही हैं और ताज़ी मिलती हैं, ये काफ़ी बढ़िया है। तो आप चलते हैं भाई फिश मार्केट की तरफ और आपको वहाँ पे भी जो है दिखाते हैं। तो इस साइड जो है देख सकते हो यहाँ पे हम लोग फिश मार्केट आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो कैसे जो है फिश मार्केट जो है लगी हुई है, फिश मंडी जो पीछे साइड में लगाई हुई है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है लगती है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो वैरायटीज़ भी आई हुई हैं फिश की, अब यहाँ पे जो है 100 की 3 भी मिलती हैं और क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा मछलियों की वैरायटी है मुझे खुद ही नहीं पता होता, रोहू भी है, बैकुर भी है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और अब शाम को तो हमको भाई जाना है बर्थडे में, तो जल्दी से फिश को लेते हैं और फिर शाम को चलते हैं बर्थडे और आपको मिलवाते हैं कि बर्थडे भाई किसका है और बिना गिफ्ट दिए कैसे पार्टी को इन्जॉय करते हैं। तो मिलते हैं आपको शाम को। हम तीनों लोग बैठे हुए हैं स्कूटी पे और बर्थडे पार्टी में जो है फ्री का खाना जा रहे हैं खाने। आइए दिखाते हैं कि फ्री का खाना कैसे खाया जाता है बिना कुछ गिफ्ट दिए। चलते हैं ढाबे पे, तीन लोग हैं, पीछे दीदी बैठी है। ये रही दीदी हमारी। यही वो व्यक्ति है जिसका आज है बर्थडे और देख लो उसके दांत कैसे निकल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। देखो हम लोग यहाँ आए हुए हैं फ्री में जो है खाना वाना खा लेंगे। हाँ। गिफ्ट कोई नहीं देना, कुछ नहीं देना है, ऐसा ही सब चलता रहता है भैया। किंडर जो है किंडर जो भैया खाओ ना, यही गिफ्ट कर देना तुम यार, समझते क्यों नहीं हो। दीदी देखिए अपनी सोने की चैन, अत्री अच्छी तो तुम्हारी भी शकल नहीं है कि वो दे दे, तो दूर की बात भाई। हत्ता तो भैया इन्होंने शकल है, भगवान ही पाव ही रहा है। ये देखो देखो भाई यहाँ पे पता यहाँ ये देखा जा रहा है कि ये जो है स्लिम है कि नहीं है, स्लिम है कि नहीं है मेन मुद्दा यहाँ पे ये आता है। पानी चेंज कर लो सर, नहीं ये सिम कट करने का कोई फायदा नहीं, पता चल गया स्लिम तो नहीं वो देखो कोई बात नहीं, इससे पता यही चल रहा है कि स्लिम तो नहीं है। लो भैया अपना जो इधर खाना आ चुका है, अभी सारी प्लेटें सबकी आ रही हैं बारी बारी जो है इधर पहुंचाया जा रहा है। देखो हम कह रहे हैं कि खाए ना, लेकिन ये बर्थडे गर्ल का देखो खतरे जल्दी है आए लगी है, हम इसे कह रहे हैं कि खाओ आयो ना बर्थडे। देखो लाइन से जो है यहाँ पे भैया खाना लग चुका है, सबकी प्लेटें आ गई, बस हम लोग अपना ही इंतजार कर रहे हैं। मना किया था कि खाना नहीं, लेकिन इन लोगों को भूख बहुत जोर की लगी थी, तो यार खाना तो काफ़ी सही था। अच्छा, बस ये मान लो अगर यार मतलब खाना खा रहे हो अगर ऑर्डर दिए हो तो टाइमिंग जो है थोड़ा बहुत लग जाने वाला है आराम से, बाकी खाना बढ़िया था, बहुत बढ़िया था खाना, प्लेट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया था खाना जो है, सब लोगों से कुछ ना कुछ जो है बच ही गया है, खा ही नहीं पाया पूरा।
बाकी ये तो चोर है ही, रसगुल्ला चोर। ओह माय गॉड, बच गया था रसगुल्ला, इसने रख लिया। दो दो रसगुल्ले रखे वाला अपना खा लिया था। हाँ, अपना खा लिया था, आती वाला रखा था। अपना रसगुल्ला रख लिया है, समझ लो लोगों का। खुद जाऊआ पर बेच करके आई है, दूसरे को बता रही है खाला बेच करना। बाकी भैया अगर आप सिदौली में आते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, जनता का हाँ सर्विस और सब कुछ मेंटेन है, बस टाइम मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है। बाकी अब हम लोग कल चलने वाले हैं फार्म पे, और कल हम लोगों के साथ ऐसे आपको नहीं होगा, मैं नहीं होगा भाई, मुझे ये नहीं होगा, ये ऐसे आ गया था वैसे, कल दादा लोग होंगे, हम ही लोग होंगे। हाँ जी, तो अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 11:05, और जैसे कि कल मैंने आप लोगों को जो है बाजार जब टहलाई थी तो हम लोग जो है फिश खरीद के लाए थे, और आज जो है फिश का ही इंतजाम किया गया है बुआ ने, क्योंकि बुआ भी जानती हैं कि हमको फिश की जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी लगती है, और अपने यहाँ बुआ लोगों के यहाँ आओ तो भाई समझ लो कि मतलब जितनी खातिरदारी होती है सब चालू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अभी तो बुआ जो है हमारी फिश को जो है बस फ्राई करके निकाली है, फ्राई करके बुआ कहा निकाली कि इसके ऊपर की स्किन हट जाए, और बाकी इधर जो वो वाली सिपने वाली होती है उसमें नहीं निकलना पड़ता, क्योंकि सिपने के वो चिक बने होते हैं तो उसमें जो चिपक जाता है। अच्छा, यहाँ पे बैटर भी जो है बना के रखा गया, चावल घाटे का बैटर सब करा गया, और अभी इंतजाम कराता है, अभी ये रेडी होगी तो इसको जो है फिर खाया जाएगा। फिर आज हम आपको जो है अपना फार्म भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग जाएंगे फार्म पे भी, फूफा जी के साथ फार्म पे जाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे, दादा से कल मिलवाया ही था आपको, तो वहाँ बताएंगे किस हिसाब से जो है सब फार्म पे काम किया जाता है, बाकी क्या क्या आगे होने वाला है, तो वो सब चीज़ें भी जो हम बताएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहना। देखो अब जो है हमारा उसमें जो हम लोगों ने पीस को डाल दिया, उसमें पीठा लगा दिया गया, और अब जो है इसको डायरेक्ट जो है हम लोग कढ़ाई में डालते हैं। अच्छा, ये इसका ये जो घर की बनी है, ऊपर से भी डालते रहते हैं, लेकिन यार ये जो घर की जो बनी हुई होती है ये ज़्यादा स्वाद देती है बाहर की कंपैरिजन में, ये तो हमने देखा है और फ़र्क तो पड़ता है। तो अभी ये जो है रेडी होती है, उसके बाद जो है इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसी लगी। तो अभी इधर जो देख सकते हो कि हमारी जो है फिश जो है रेडी हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से पक गई हैं, तो इधर तो बुआ निकाल रही हैं, और हमने जो है यहाँ पर एक पीस भी ले लिया है, और क्योंकि हमसे तो भैया रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि पता ही है कि जब नॉन वेज लवर के सामने नॉन वेज बने, मटन हो या फिश, तो भाई इस क्यों रहा है? इसको राइस भाई इसको इंतज़ार नहीं किया जा सकता है, तो इसको जो हम लोग टेस्ट करते हैं। हालांकि यहाँ देख सकते हो पक तो यार काफ़ी बढ़िया तरीके से गया है, इसमें जो इसका टेक्सचर है ये देखो, टेक्सचर तो काफ़ी बढ़िया है, वो खाक बताते हैं, बनी बहुत बढ़िया है, नमक वमक हमारे हिसाब से है, मतलब बहुत परफेक्ट बनी है, बाहर एकदम सेम ऐसी ही बनती है। ये देखो गाइस, ये देखो अब हमारी जो है यहाँ पे ग्रेवी वाली जो है फिश भी लगभग रेडी होने वाली, फेना मर जाएगा हाँ, तब उतारी जाएगी तब रेड रेड दिखेगी सब्जी। अच्छा, मतलब मस्त बनी, बाकी बुआ का हाथ चूमने लायक, बुआ ने इतनी बढ़िया जो है फिश फ्राई बनाई थी। बुआ रेस्टोरेंट कब खुलवा हुआ जैसी दौली में बताओ, जब भी खुलवा हुआ ये तो बना रहे रेस्टोरेंट बहुत दिन से खुलता है, जब कुछ बनाए हैं मैगी वगैरह तो रूबी वालों को कह रहे थे दीदी रेस्टोरेंट खोल लो। अब क्या किया जा सकता है, हमारे घर में सब मास्टर शेफ ठहरे, एक तो मास्टर शेफ स्वप्निल, दूसरी मास्टर शेफ हमारी बड़ी बुआ छोटी बुआ। सो गाइस हम लोग जो है निकल चुके हैं यहाँ अपने फार्म की तरफ, और अभी जो है गाड़ी में डलाया था भाई पेट्रोल इसमें और उसमें, और बता सकते हो ये चश्मा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। हाँ जी, तो हम लोग जो है अपने फार्म हाउस पे आ चुके हैं, फार्म हाउस का फार्म पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है सब चीज़ों को हम लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है, बाकी सारे मेंबर्स तो हमारे चले गए थे, सब लोग आगे बैठे हुए हैं कुर्सी पे। आओ सबसे पहले मिलवाते हैं कि फार्म पे हमारे कौन कौन रहते हैं, तो कल जिनसे मिले थे फार्म पे भैया, एक तो वो मेंबर तो तुमको मिलेंगे ही, दद्दा तुम्हारे मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में हमारे बब्बल मामा भी मिलेंगे। और बब्बल मामा क्या हाल चाल है, 200 रुपया देंगे किडनी बेच के ले ओ भैया, 200 रुपया यही डिमांड हो गई। और दादा ये बताओ दादा क्या क्या पल रहा है अभी, बहुत भी पल्ला अभी यहाँ, अभी करेंटली में यहाँ पे मुर्गे हैं, और दिखाते हैं आपको मुर्गे दिखाते, इसमें कड़कनाथ भी पड़े हैं, कड़कनाथ पड़े नहीं अभी, पड़े नहीं, कड़कनाथ ऑर्डर लगा है। अच्छा देसी हैं, जो देसी वाले हैं, कड़कनाथ का ऑर्डर लगा है, कड़कनाथ का ऑर्डर लगा हुआ है। बाकी यहाँ देख सकते हो सारे जो है देसी मुर्गे हैं, और एक क्लिप मैं ऐड कर दूंगा, वो ज़रूर आप लोग देखना कि दीदी कैसे जो है मुर्गों को भगा रही थी। बाकी मुर्गों के खाना खाने के लिए जो है देख सकते हो थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है डिब्बे रखे गए हैं, जिसमें उन सब में जो है दाने पड़े हुए हैं, और सारे जो जितने भी मुर्गे हैं सब खा सकते हैं। अच्छा इधर बकरी वाले हैं, दीदी का पूरा है। अच्छा बकरियाँ चरने गई हैं, बाकी यहाँ पे देख सकते हो जो बकरी बकरे दोनों हैं, ये पूरा बकरी। अच्छा
अच्छा डेयरी वाला भी सिस्टम आगे करोगे? किधर डेयरी वाला किधर रखोगे? अच्छा इधर डेयरी वाला सिस्टम। अच्छा ये कहाँ के लिए रखा गया है ये पूल? ये कहाँ है? भैंसी पानी के लिए। अच्छा भैंसी पानी आती है भैंसी है? अभी जो भैंसियाँ पड़ेंगी। अच्छा तब के लिए मतलब पहले से जो है प्लानिंग कर दीजिए। बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर देख सकते हो इसमें जो है बकरी जो है अंदर है, बाकी थोड़ी बहुत बकरियाँ गई हैं। अच्छा रहते किधर हो? इधर रहने वाला। अच्छा कबूतर भी पाल लो? कबूतर तो शौक के लिए, कबूतर तो बड़े पले। कबूतर सिर्फ शौक में? कबूतर पले हैं, कबूतर है जो जिम में पलते नहीं, कबूतर है शौक किया भी। अच्छा कबूतर शौक के कारण पले? मतलब हमारा कुत्ता है वो ऐसा घटते हैं, दो चीज़ शौक मतलब है। अच्छा मतलब ऐसा पैशन भी है। तो यहाँ देख सकते हो कबूतर है, काफ़ी ज़्यादा कबूतर, अच्छे खासे कबूतर पाल लिए। अच्छा एक कबूतर आया हुआ था जिनकी गर्दन रंग होता है, ये कुछ नवा तरीका लग रहा है, हम भी पहली बार देखे हैं। हाँ नीचे उतर के देखेंगे आप लोगों को दिखाते नए तरीके का जो घर बता रहे दादा वो भी दिखाते। इस समय जो है फिलहाल धूप बहुत तगड़ी हो रही है जिसके कारण जो हमारा आईफोन थोड़ा सा हीट कर रहा है, बल्कि मैं आपको छोरी से चुपके से दिखाता हूँ। ये देख सकते हो कबूतरों के घर, देख सकते हो दीवार में बढ़िया गड्ढे बने, यहीं पर जो है अपना अपना जो है कबूतर अपने घर की तरह देख सकते हो शिफ्ट होते, जैसे अंदर देख रहे हो कि कबूतर जो है बैठे हैं, बाकी नीचे दाना आना चुगते रहते हैं। नीचे वाले दूसरी लाइन पे बच्चे हैं, बच्चे पाले हो कि मतलब बच्चे दिए थे? कितने कितने कबूतर लेके आए थे? एक कबूतर तो बहुत आ जाएगा, 100-150 बच्चे इतने ही हैं, कुछ हवा में भी हैं। तो ये हो गया भाई पैशन अपना, ये जो मतलब अपना अपना कुछ पसंद के लिए अपनी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन चीज़ों को भी दादा ने किया है, थोड़ा बिजनेस पर्पस भी किया हुआ है। अब दिखाते हैं कि दादा लोग रुकते कहाँ हैं, ये दिखाओ दादा पहले। अच्छा जब आप लोगों ने वीडियो देखी होगी हमारी जो एवेंजर की गाड़ी जब हमने शूट किया था वो इसी जगह मैंने शूट किया था, तब जो है ये दीवार जो है बन रही थी, ये सब चीज़ें बनी नहीं थी। भैंस और गाय के लिए जो है इस साइड का जो है अलग से हम लोगों ने कटआउट दे के रखा कि उस साइड जो है गाय पलेंगी और वहाँ पर पानी पीने के लिए उनके लिए बना हुआ है। और चलो अभी दिखाते हैं कि सबका जो भूसा वूसा जो है वो इस वाले मड के अंदर जो बनाया हुआ है शेड के अंदर हम लोगों ने, तो यहाँ पे जो है गाय के लिए भैंस के लिए पूरा जो है भूसा का स्टोरेज यहाँ पे बनाया हुआ है। तो भूसा पूरा भर लेते हैं एक बार, ये भूसा एक बार भरा गया था ये, तो अभी भरेंगे तो थोड़ा वहाँ भी भूसा भरेंगे कम पड़ेगा। छः महीने के हिसाब से जो है भूसा भरा, छः महीने में भी हुए हैं पड़े। हाँ तो अब साल भर के हिसाब से जब भरेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा से भरा जाएगा। बाकी दादा रहने वाला किधर बना? तो ये गाइस रहने वाला बनाया गया है, फूफा जी हैं तो रहने वाला। तो अंदर मतलब जैसे कैंपिंग वैम्पिंग करी जाती है कुछ इस तरह से, जो बढ़िया काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई अंदर रहने वाला सिस्टम कुछ ज़्यादा जाड़ा लगता है ना, गर्मी लगती है। नहीं रहने वाले जो देख के लग रहा है हमको भी जाड़ा वाला नहीं लगता है। अच्छा रात में सांप आप जैसे इधर अच्छा जालियाँ लगी हुई हैं जैसे कि सांप आप जो है नहीं, सेफ्टी पर्पज से फुल है। अच्छा आप लोगों के किस्सा बताते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये खजूर के जो पेड़ के आप ये देख रहे हो इसकी वीडियो आप लोगों के पास पड़ी होगी, इसमें बहुत अच्छा किस्सा था हमारे दादा के, विनय दादा, संकेत दादा, बब्बल मामा, कम से कम 10 लोग थे, एक डेढ़ा नहीं लावा जा रहा है इसका भाई, ट्रैक्टर तक ही उठा जा रहा था। ये किस्से की वीडियो थी, हम तो ट्रैक्टर पे चला रहे थे ट्रैक्टर हम, और उनके उनके दूसरे दिन मलेरिया हो गया था ट्रैक्टर वाले को। हम लोग यहीं पे तो थे जब एवेंजर की वीडियो शूट करी थी यहीं पे, ये 3 सितंबर की ये बात है, तब ये हम लोगों ने देखा था। तो हमको ये चीज़ तो चैनल में नहीं पड़ी है लेकिन अपने पास प्राइवेट में वो वीडियो पड़ी है, अगर मिल जाती है तो मैं थोड़ी सी क्लिप लगा दूंगा आप लोग देखिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो खजूर का पेड़ भी जो है इधर लगा हुआ है, ये जो है हम लोगों ने काफी इसको जो है नीचे सीमेंटेड कर दिया जिससे कारण जो है ये हिले विले नहीं, बाकी दिमाग ना लगे बाकी सिस्टम बहुत बढ़िया है। और ये डेयरी वाला कब तक की प्लान सोचा? डेयरी वाला प्लान मान के लिए अब थोड़ा जो है जून जून तक। अच्छा जैसे अगर कोई ये बिजनेस करता है लखनऊ के बाहर या यूपी के बाहर तो उसको लगभग कितना मतलब ये पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी? प्लानिंग मतलब एज ए बजट? हाँ एज अ बजट, एज अ बजट, एज अ रेस्पॉन्स की कैसा मतलब इसका रेस्पॉन्स तो अपने ऊपर है, वो तो डिपेंड करता है कहाँ पे आप हो, लोकेशन और मेहनत के ऊपर। बाकी बजट मैक्सिमम 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख का जो है आपको बजट विथ अपनी जो है जमीन होनी चाहिए। जमीन अगर नहीं है तो ज़्यादा हो जाए, डेयरी फार्मिंग छोड़ के डेयरी करेंगे तो मान लीजिए 10-20 लाख। अच्छा अगर डेयरी का काम करोगे तो मतलब 20 लाख रुपए, नहीं तो जो है 10 लाख में आप जो है ये सारा काम कर सकते हो। 10 लाख रुपए का है स्टार्ट, मतलब 10 लाख लग गया अभी तक। रेस्पॉन्स तो पूरा हमारा उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ आपकी सेल कैसी है किस इलाके में, ग्रोथ के ऊपर।
किस हिसाब से कनेक्शन है? ग्रोथ 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 कैसी है? ग्रोथ मतलब लॉस ना हो, जैसे बकरियों मेरा लॉस हो गया, शायद बाहर की बकरियां थी मेरे को जो लोकल मिलेंगी। ये तो होता है। अब चूजे भी आए थे, जो मुर्गे भी थे, तो वो भी तो थोड़े थोड़े बहुत मरते हैं, तो थोड़ा बहुत लॉस रहता, लेकिन बकरियों में लॉस हुआ, तो बकरियों में ज़्यादा लॉस हो गया था। तो आप लोगों को मैंने अभी जो है अपना फार्म दिखाया, और अब जो है मैं आपको जो है दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो है वीडियो कुछ ज़्यादा जो है लंबी हो रही है। और अभी हम लोग चल रहे हैं अपने घर, घर पे वहाँ पे जितने अच्छे अच्छे सीन है, नहर है, दादा लोगों से मिलवाएंगे, मैच वैच होगा, बाकी दादा यहाँ खड़े होकर देख ही रहे। पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया कैसे ऑपरेट किया जाता है और कितना लागत लगती है अगर आप करना चाहो ये बिज़नेस, तो किस हिसाब से काम होगा। दादा ने सब चीज़ हमारी बताई, सारा क्रेडिट इसमें जो है भाई दादा का जाता है। और अब हम लोग चलेंगे वहाँ पे, एक्चुअली सीन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे शाम के टाइम अगर सनसेट होता है तो वहाँ नहर पे बहुत अच्छे अच्छे सीन आते हैं। बैकयार्ड में हम लोग बैठते हैं पीछे, तो वही सब चीज़ें जो है हम आपको दिखाने वाले हैं।